गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आप कृतिका से चैप्टर थर्ड पढ़ेंगे। हम चैप्टर थर्ड है रीढ़ की हड्डी। जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखित है रीढ़ की हड्डी, एक एकांकी है जिस एकांकी का नाम रखा गया है रीढ़ की हड्डी। इस एकांकी में लेखक ने जो एकांकी प्रस्तुत की है, लेखक ने कहा है पहले अपना स्वयं का आकलन होना अवश्य है, फिर दूसरे का आकलन किया जाए। यहाँ पर रीढ़ की हड्डी में जो पात्र है रामस्वरूप गोपाल प्रसाद और रामस्वरूप की बेटी है, जिसको देखने के लिए कुछ लोग आते हैं। रामस्वरूप ने अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवा रखी है और विवाह के लिए रामस्वरूप के घर पर कुछ लोग आते हैं और उसकी जांच पड़ताल करते हैं, लड़की किस प्रकार की है, कैसे बोलती है, कितनी पढ़ी लिखी है, इत्यादि इत्यादि। उसी पर ये चैप्टर लिखा गया है। रीढ़ की हड्डी इसी एकांकी को बताते, एकांकी के अंदर यही बताया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं, इस प्रकार की तुलना कहाँ तक तर्कसंगत है? इस तरह की तुलना करना बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं होता, क्योंकि समय के साथ समाज में, जलवायु में, खानपान में, सब में परिवर्तन होता रहता है। जैसे उस वक्त वस्तुओं की गुणवत्ता में हमें आज प्राप्त नहीं होती, उस समय का स्वच्छ वातावरण या जलवायु हमें आज प्राप्त नहीं होता, तो हम कैसे कल की तुलना आज से कर सकते हैं? समय परिवर्तनशील है, वह सदैव एक सा नहीं रहता। समय के साथ हुए बदलाव को स्वीकार करने में ही भलाई है, न कि उसकी तुलना में बीते हुए समय से करने से। रामस्वरूप को अपनी बेटी को शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस व्यवस्था को उजागर करता है? रामस्वरूप एक आजाद पसंद व्यक्ति थे, उनके अनुसार स्त्री शिक्षा में कोई बुराई नहीं है, अपितु उनके विकास के लिए यह आवश्यक है। यही कारण था कि उन्हें अपनी पुत्री को विकास के सारे रास्ते दिए, जिसके कारणवश उनकी पुत्री बीए कर सकी। वह गुणवान भी थी, संगीत शिक्षा, सिलाई कढ़ाई में भी निपुण थी। यह बातें रामस्वरूप के खुले विचारों की ओर इशारा करते हैं, परंतु विडंबना है कि उन्होंने जहां उन्मुख भाव से अपनी पुत्री को शिक्षा दी, वहीं समाज की संकुचित मानसिकता के कारण अपनी पुत्री के विवाह के लिए उसकी शिक्षा को छिपाना चाह रहे थे। वह एक मजबूर पिता की ओर इशारा करता है, जो समाज की दकियानूसी अर्थात पुरानी सोच, दकियानूसी अर्थात पुरानी सोच के आगे झुकने पर विवश कर देता है रामस्वरूप को। अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं, वह उचित क्यों नहीं है? उचित इसलिए नहीं है, बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप अपनी बेटी उमा से सीधी सीधी कम पढ़ी लिखी और कम बोलने वाली लड़की की तरह व्यवहार करने की अपेक्षा कर रहे थे। उनका ऐसा सोचना उचित नहीं है, क्योंकि लड़की कोई भेड़ बकरी या मेज कुर्सी नहीं होती, वह कोई कठपुतली भी नहीं होती जिसे हम अपने इशारों पर नचा सकें। उनका भी दिल होता है। उच्च शिक्षा पाना कोई अपराध नहीं है जिसकी वजह से उसे शर्मिंदा होना पड़े और अपनी योग्यता को छुपाना पड़े। अगला प्रश्न है, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छुपाते हैं, क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं?
गोपाल प्रसाद जी विवाह के लिए बिजनेस यानी व्यापार की तरह है। विवाह की पवित्रता और उसका मूल्य उनके लिए सौदे से कम नहीं था। वह अपने बेटे का विवाह करवाकर ऐसी पुत्रवधू लाना चाहते थे जो उनके इशारों पर चले। वे सौदे करने से पहले उसकी जांच पड़ताल अच्छी जांच पड़ताल कर तसल्ली कर लेना चाहते थे कि यह सौदा सही है भी या नहीं। उनके लिए वस्तु और लड़की में कोई अंतर नहीं था। दूसरी तरफ रामस्वरूप अपनी पुत्री को उच्च शिक्षा प्राप्त करवाते हैं। उन्हें इस बात से गर्व भी है, परंतु विवाह के लिए उसकी शिक्षा को छिपाने की कोशिश करते हैं। माना इन सब में उनकी मजबूरी है, परंतु ये तर्कसंगत नहीं लगता कि ऐसे घर में अपनी शिक्षित लड़की का हाथ सौंपने को तैयार हो जाएं, जहां उनकी पुत्री और उसकी शिक्षा का मोल ही ना हो। इस तरह से स्वयं समाज को बदलना और बाद में अपने स्वार्थ हेतु मजबूरी से उसकी संकीर्णता में शामिल होना पूर्ण रूप से गलत है और उस पर झूठ बोलना बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है। अगला प्रश्न है, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है या नहीं? उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है? गोपाल प्रसाद जी के विचारों से पहले ही उमा गोपाल प्रसाद जी के विचारों से पहले ही खिन्न थी अर्थात नाराज थी, परंतु उनके द्वारा अनगिनत सवालों ने उसे क्रोधित कर दिया था। आखिर उसने चुप्पी तोड़कर गोपाल प्रसाद को उनके पुत्र के विषय में अवगत कराना पड़ा। शंकर एक चरित्रहीन व्यक्ति था जो हमेशा लड़कियों का पीछा करते हुए हॉस्टल तक पहुंच जाता था। इस कारण उसे शर्मिंदा भी होना पड़ा था। दूसरी तरफ उसकी पीठ की तरफ इशारा करते हुए गोपाल जी को उनके लड़के के स्वास्थ्य की ओर संकेत करती है, जिसके कारण वह बीमार रहता था और सीधी तरह बैठ नहीं पाता। तीसरा बिंदु है, शंकर अपने पिता पर पूरी तरह आश्रित है। उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है अर्थात अपनी कोई उसकी मर्जी नहीं है। शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। उमा जैसी लड़की ही समाज के लिए सही व्यक्तित्व है। वह निडर है, साहसी है। जहां एक और माता पिता का सम्मान रखते हुए वह गोपाल प्रसाद जी और उनके लड़के शंकर के सम्मुख खड़ी हो जाती है, वहीं उनके कहने पर गीत भी गाती है। दूसरी तरफ निर्भयता पूर्वक गोपाल जी को उनकी कमियों का एहसास कराते हुए तनिक भी नहीं चकती। उसमें आत्मसम्मान की भावना है, उसी आत्मसम्मान के लिए वह अपना मुंह भी खोलती है। रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। यहाँ रीढ़ की हड्डी की सार्थकता है कि यह एकांकी की भावना को व्यक्त करने के लिए बिल्कुल सही है। शीर्षक में समाज की सड़ी गली मानसिकता को व्यक्त किया गया है और उस पर प्रहार किया गया है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी शरीर का एक मुख्य हिस्सा होता है जिसके बिना मनुष्य चल भी नहीं सकता, बैठ नहीं सकता। उसे सीधा रखने में सहायता करता है, उसमें लचीलापन होता है जिसके कारण से जो शरीर को मुड़ने झुकने बैठने कूदने इत्यादि मदद करता है। इस लचीलेपन के कारण ही शरीर में हर कार्य करने में वह सक्षम होता है। व्यायाम के माध्यम से रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन को बनाए रखने रीढ़ की हड्डी को व्यायाम के माध्यम से लचीलेपन को बनाए रखते हैं। उसी तरह समय के अनुसार पुरानी रीतियों और परंपराओं को बदलना आवश्यक है। यह समय की मांग होती है। जब यह रीतियों या परंपराओं मनुष्य के हित के स्थान पर उसका अहित करने लगे तो वे विकार बन जाती हैं। विकार अर्थात रोग, परेशानी। यह एकांकी समाज में व्याप्त इन विकारों पर कटाक्ष करता है। हमारा समाज इन मानसिकताओं को गुलाम बनकर बिना रीढ़ वाला शरीर हो जाता है। दूसरी तरफ यहाँ शंकर जैसे लड़कों से भी तात्पर्य है कि बिना रीढ़ का इस प्रकार के लड़कों का कोई व्यक्तित्व नहीं होता और ना ही उनका कोई चरित्र होता है। ये सारी उम्र दूसरों के सहारों पर ही चलते हैं। ये लोग समाज के ऊपर सिवाय बोझ के कुछ नहीं होते, इसलिए उमा ने इसे बिना रीढ़ की हड्डी वाला कहा है। नेक्स्ट
कथावस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों? कथावस्तु के आधार पर हम तो उमा को ही इस एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं। पूरी एकांकी उमा के इर्द गिर्द ही घूमती है। लेखक समाज की सड़ी गली मानसिकता को उमा के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहता है। उसका सशक्त व्यक्तित्व सारे पात्रों पर भारी पड़ता हुआ दिखाई देता है। उसके समकक्ष कोई ठहरता नहीं है, समकक्ष था उसकी बराबरी पर। जिस स्वाभिमान से वह अपने पक्ष को शंकर, गोपाल, प्रसाद और राम स्वरूप के आगे रखती है, वह सबके होठ सिल जाते हैं। और कथा का प्रयोजन समाज में महिलाओं को अपने अधिकारों और सम्मान के प्रति जागरूक करना सिद्ध हो जाता है। एकांकी आधार पर राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं, इस प्रकार हैं। रामस्वरूप एक स्वतंत्रतापरी व्यक्ति है, औरतों की शिक्षा के पक्षपाती हैं, इसलिए अपनी पुत्री को पुत्र के समान ही शिक्षा दिलवाते हैं। वे एक सही पिता हैं। रामस्वरूप जी सही स्नेही पिता हैं। रामस्वरूप जी अपनी पुत्री से बड़ा स्नेह करते हैं, इसलिए भविष्य की चिंता उन्हें सताती रहती है। और इसी कारणवश वह अपनी पुत्री को शिक्षा भी लड़कों वालों के आगे छिपाए जाते हैं। रामस्वरूप जी समझदार व्यक्ति हैं। वे कई जगह गोपाल प्रसाद जी की गलत बातों का जवाब भी समझदारी पूर्वक देते हैं। गोपाल प्रसाद एक रोबदार व्यक्तित्व के स्वामी हैं। वकालत होने के कारण अभिमान उनके व्यक्तित्व से टपकता है। गोपाल जी एक हसमुख प्रवृत्ति के इंसान हैं। बात बात पर मजाक करना उनका स्वभाव है। गोपाल प्रसाद जी एक चतुर व्यक्ति हैं, इसलिए वह बीमार और चरित्रहीन बेटे के लिए एक कम पढ़ी लिखी लड़की चाहते हैं, ताकि वो कभी उसके सम्मुख आवाज ना उठा सके। इस एकांकी का उद्देश्य क्या है? एकांकी का उद्देश्य समाज में औरतों की दशा सुधारना और उनको उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कराना है। यह एकांकी उन लोगों की तरफ उंगली उठाती है जो समाज में स्त्रियों को जानवरों या सामान से ज्यादा कुछ नहीं समझते, जिनके लिए वह घर में सजाने से ज्यादा कुछ नहीं है। यह औरत को उसके व्यक्तित्व की रक्षा करने का संदेश देती है और कई सीमा तक, बहुत अधिक सीमा तक इस उद्देश्य में सफल भी होती है। अगला अंतिम प्रश्न है, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं? निम्नलिखित प्रयास कर सकते हैं। नंबर एक, उनकी शिक्षा हेतु कार्य कर सकते हैं ताकि समाज में वह सम्मान से अपना जीवन व्यतीत कर सके। उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करा सकते हैं ताकि वह अपने ऊपर होने वाले शोषण से स्वयं को बचा सके। समाज में महिलाओं को समान भागीदारी दिलवाने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। लड़कियों का विवाह बिना दहेज के लिए दिए हो, इस विषय पर भी कार्य कर सकते हैं। रीड के डी इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने समाज में स्त्रियों के प्रति व्याप्त रूढ़िवादी मानसिकता पर प्रहार करते हुए स्त्रियों की शिक्षा एवं उससे उत्पन्न उनके आत्मविश्वास और साहस को यहाँ इस एकांकी में दर्शाया है। हम आते हैं चैप्टर पर। रीढ़ की हड्डी चैप्टर है। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा, अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वह अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। बाबू धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे। उधर बस बस नौकर, बिछा दूं साहब। बाबू जरा तेज आवाज, क्या करेगा, परमात्मा के यहाँ अकल बट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या? बिछा दूं साहब, और यह पसीना किस लिए बहाया है? नौकर, ही बाबू हंसता क्यों है बे, हमने भी जवानी में कसरतें की हैं, कलसों से नहाता था लोटों की तरह। यह तख्त क्या चीज है, सीधा कर। हाँ यहाँ बस, और सुन, बहू जी से दरी मांगला,
उसके ऊपर बिछाने के लिए चद्दर भी। कल जो धोबी के यहाँ से आई है वही। नौकर जाता है, बाबू साहब इस बीच में मेजपोश ठीक करते हैं, झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं, कुर्सियों पर भी दो चार हाथ लगाते हैं। सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती हैं, गंदमी रंग छोटा कद, चेहरे और आवाज़ से जाहिर होता है किसी काम में बहुत व्यस्त है। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है। हाली याद बाबू रामस्वरूप, बाबू साहब अर्थात रामस्वरूप दोनों तरफ देखने लगते हैं। प्रेमा, मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई, एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। रामस्वरूप, धोती? प्रेमा, हाँ अभी तो बदल कर आए हो, फिर नया ने किस लिए? रामस्वरूप, लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? प्रेमा, यही तो कह रहा था रतन। रामस्वरूप, क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या? मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई है उसे मांग ला, अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं उल्लू कहीं का। प्रेमा, अच्छा पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्स के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ना, उन्हीं में से एक चद्दर उठा ला। रतन, और दरी? प्रेमा, दरी यहीं तो रखी है कोने में, वह पड़ी तो है। रामस्वरूप, और दरी उठाते हुए, बीबी जी कमरे में हारमोनियम उठा ला और सितार भी, जल्दी जा। प्रेमा, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है। रामस्वरूप, मुंह फुलाए और तुम उसकी माँ किस मर्ज की दबाओ, जैसे तैसे करके तो वे लोग पकड़ में आए हैं और तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार जाए, तो मुझे दोष मत देना। और इस प्रकार से पाठ में यहाँ पर ये पात्रों द्वारा बताया गया है कि रामस्वरूप अपनी बेटी के विवाह के लिए नौकर और उनकी पत्नी सभी लोग तैयारी करते हैं, गोपाल प्रसाद जी के विवाह, रामस्वरूप जी अपनी बेटी के विवाह के लिए तैयारी करते हैं, जहाँ पर गोपाल प्रसाद जो है उनकी बेटी को देखने आते हैं। और आने के बाद गोपाल प्रसाद, हाँ साहब जैसा मेरा काम वैसा आपका काम, आखिर लड़के की शादी तो करनी ही, बल्कि यूँ कहिए मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। रामस्वरूप, हाँ ये लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे, हम तो आपके हैं सेवक ही हैं। और कहिए शंकर बाबू कितने दिनों में छुट्टियाँ हैं? शंकर जी कॉलेज की तो छुट्टियाँ नहीं हैं, वीकेंड में चला आया था। रामस्वरूप, आपके कोर्स ख़त्म होने में कोई साल भर रहा होगा? शंकर जी यही साल दो साल। रामस्वरूप, साल दो साल? शंकर हाँ एक आध साल मार्जिन रखता हूँ। गोपाल प्रसाद, बात है कि साहब शंकर एक साल बीमार हो गया था, क्या बताएं इन लोगों की उम्र में सारी बीमारियाँ, इस उम्र में सारी बीमारी सताती हैं। एक हमारा ज़माना था कि स्कूल आकर दर्जनों कचौड़ियाँ उड़ा जाते थे, मगर फिर जो खाना खाने बैठते तो वैसी की वैसी भूख। रामस्वरूप, कचौड़ियाँ भी तो ज़माने में पैसे की दो आती थी। गोपाल प्रसाद, जनाब यह हाल था कि चार पैसे में ढेर सी बालाई आती थी और अकेले दो आने की हजम करने की ताकत थी अकेले, और अब तो बहुतेरे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में। तब ना कोई वॉलीबॉल जानता था, ना टेनिस, ना बैडमिंटन, बस कभी हॉकी क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे, मगर मजाल की कोई कह जाए लड़का कमजोर है। शंकर और रामस्वरूप खीसे निपोड़ते हैं अर्थात हंसते हैं। इस एकांकी के कुछ दृश्यों पर पढ़ेंगे, बाकी के शेष दृश्य आप पढ़ लेना बुक लेकर। जैसे गोपाल प्रसाद, पढ़ाई वढ़ाई की वैसे तो कुछ नहीं। रामस्वरूप, नहीं साहब वह तो मैंने अर्ज किया है ना। गोपाल प्रसाद, हूँ। बैठो बेटी। रामस्वरूप, हाँ बैठ जाओ तख्त पर अपने बाजे बाजे के पास। गोपाल प्रसाद, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है। हाँ कुछ गाना बजाना सीखा है? रामस्वरूप, जी हाँ सितार भी बाजा भी, सुनाओ एक आध गीत सितार के साथ। उमा सितार उठाती है थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत, मेरे तो गिद्धर गोपाल दूसरों ना कोई, गाना शुरू कर देती है। स्वर से जाहिर है कि गाने का अच्छा ज्ञान है, स्वर में तल्लीनता आ जाती है, यहाँ तक कि उसका मस्तक उठ जाता है, उसकी आँखें शंकर को झेपती आँखों से मिल जाती हैं, गाते गाते एक साथ रुक जाती है। रामस्वरूप, क्यों क्या हुआ? गाने को पूरा करो माँ। गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब काफ़ी है, लड़की आपकी अच्छा गाती है। गोपाल प्रसाद, अभी ठहरो बेटी। रामस्वरूप, थोड़ा बैठी रहो। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद, तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी? उमा चुप।
रामस्वरूप, हाँ वह तो आपको बताना ही भूल गया, ये जो तस्वीरें टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने खींची है, वह इस दीवार पर भी। गोपाल प्रसाद, हूँ, यह तो बहुत अच्छा है। सिलाई वगैरह, रामस्वरूप, सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे होती है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी। गोपाल प्रसाद, ठीक है। हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते हैं? उमा चुप। रामस्वरूप इशारे की खांसते हैं लेकिन उमा चुप, उसी गर्दन को झुकाए। गोपाल प्रसाद अधीर हो जाते हैं और रामस्वरूप शक पकाते हैं। रामस्वरूप, जवाब दो उमा, जरा शर्माती है, इनाम तो इसने। गोपाल प्रसाद, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। रामस्वरूप, उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। उमा, क्या जवाब दूं बाबूजी, जब कुर्सी मेज बिकती है तो दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, पसंद आई तो अच्छा है वरना। रामस्वरूप, उमा उमा उमा, मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी, जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं उनसे जरा पूछिए कि लड़कियों के दिल होता ही नहीं, उन्हें चोट नहीं लगती, बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई की तरह देख भाल कर। गोपाल प्रसाद, रामस्वरूप अपने मेरी इज्जत उतारने के लिए बुलाया है यहाँ? उमा, जी हाँ, हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं, और आप जरा अपने साहबजादे से पूछिए कि पिछली फरवरी में लड़कियों को हॉस्टल में इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे, वहां से कैसे भगाए गए थे। शंकर बाबूजी, चलिए। गोपाल प्रसाद, लड़कियों को हॉस्टल में, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? रामस्वरूप चुप। उमा, जी हाँ कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और ना आपके पुत्र की तरह ताक झांक और कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत और मान का ख्याल तो है, लेकिन इससे पूछिए किस तरह नौकरानी के पैरों पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। उमा उमा, गोपाल प्रसाद बस हो चुका। रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया है, लड़की बीए पास है और आपने मुझे कहा था सिर्फ मैट्रिक तो पढ़ी है, लाइए मेरी छड़ी कहाँ है, मैं चलता हूँ। बीए पास, ओहो गजब हो जाता, झूठ भी कुछ ठिकाना है, आओ बेटे चलो। उमा, जी हाँ जाइए, जरूर चले आइए, लेकिन घर जाकर यह पता लगाइएगा आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, यानी बैकबोन। बैकबोन पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के का रुलासापन, दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू, रामस्वरूप कुर्सी पर धम से बैठे जाते हैं। उमा से ऐसा चुप हो जाती है, प्रेमा की घबराहट हालत में आना। प्रेमा, उमा रो रही है, यह सुनकर रामस्वरूप खड़े हो जाते हैं। रतन आते हैं। रतन, बाबूजी मक्खन। सब रतन की तरफ देखते हैं और पर्दा गिरता है। इस प्रकार से एकांकियां खत्म होती है और एकांकी के कुछ चित्र आपको बताए। इस चित्र में पहले रामस्वरूप अपनी बेटी के लिए तैयारी करते हैं, जिन्हें गोपाल प्रसाद और शंकर देखने आ रहे हैं, विवाह की तैयारी करते हैं, झूठ बोलकर कि लड़की मैट्रिक पास है जबकि लड़की को उन्होंने बीए पढ़ा रखा था। वहीं दूसरी ओर पूरी नापतोल के बाद उन्हें गोपाल प्रसाद और शंकर को उमा एक तर्क सहित सही उत्तर देती है और इस प्रकार एकांकी समाप्त होती है। और आपकी क्लास यहीं समाप्त होती है, नेक्स्ट डे फिर बात करेंगे नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।